दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो की शुरुआत हम पहले बस की चेसिस से शुरू करेंगे और जब ये बस रेडी हो जाएंगी फिर हम इसमें जर्नी करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ फिलहाल तलोजा में, जो कि नवी मुंबई में आता है। यहाँ पर भारत खोज बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि बसेस की बॉडी बनाती है, और आज की वीडियो में हम इस बस को रेडी होते हुए देखेंगे। दोस्तों आप मेरे सामने जो चेसिस देख रहे हो ये है भारत बेंज की 1017 BS6 मॉडल, और इसकी जो लेंथ है वो है 10.5 मीटर, और इसको खरीदा है आशिया ट्रेवल्स ने, और इसको ऑपरेट करेंगे मुंबई टू कोकण रूट पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस बस को कैसे बनाया जाता है। बस की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले चेसिस पर लोखंड के चैनल लगाए जाते हैं जो एकदम मजबूत होते हैं, क्योंकि बस का जो सारा वजन है वो इसी चैनल पर आता है। फिर बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें स्क्वायर पाइप को वेल्डिंग करके ज्वाइन करते हैं। इस काम को काफ़ी कैलकुलेशन के हिसाब से किया जाता है ताकि साइज वगैरह एकदम परफेक्ट हो। और इस भारत कोच बिल्डर जो कंपनी है इसमें जो लोखंड के पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं। बस के पीछे और राइट एंड लेफ्ट साइड की जो पूरी लाइन है वहाँ पर स्पेस रखा गया है ताकि यहाँ पर डिक्की बन सके। फिर बस का जो फ्रंट लुक है उसको भी लोखंड से उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, और ये सारा लोखंड के पाइप से ही किया जाता है। फिर उसके बाद इस लोखंड को वापस निकाला जाता है और इस फ्रंट लुक का कॉपी बनाकर सेम अस फाइबर में बनाया जाता है ताकि जो बस का वजन हो वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। फिर उसको फाइबर में बनाकर इसमें लगाया जाता है। फिर आजू बाजू लोखंड के पतरे डालकर कवर किया जाता है। फिर डिक्की वगैरह का प्रोसेस किया जाता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है फिर दोस्तों इसको अलग से पेंट फिल्टर जो एरिया है जिसमें उसको पॉलिश एंड पेंट वगैरह किया जाता है, फिर इसको बाहर निकाल कर उसको अच्छे से पेंट और डिज़ाइन वगैरह देते हैं। पेंट हो जाने के बाद बस के इंटीरियर का काम चालू हो जाता है, साथ ही साथ ये लोग केबिन वगैरह का भी काम शुरू करते हैं, फिर लाइटिंग एंड वायर्स वगैरह लगाते हैं। बस रेडी हो जाने के बाद फिर ये लोग अंदर से पूरी बस को अच्छे से साफ सफाई करते हैं ताकि जो डस्ट वगैरह जो रह गया है वो हट जाए। बस की बॉडी कंप्लीट रेडी हो जाने के बाद बस को RTO ले जाया जाता है। वहाँ पर इसका पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट होने के बाद RTO से अप्रूवल मिलने के बाद ये बस रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है। दोस्तों आशिया ट्रेवल्स रेडी है, अब हम शुरू करेंगे इस बस में जर्नी। दोस्तों पार्किंग में बस खड़ी हुई है तो ड्राइवर से इंफॉर्मेशन लेते हैं इस बस की। तो आप केबिन देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त मस्त बनाया गया है, एकदम दिमाग लगा के बनाया गया है। इसमें स्पेस बहुत अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पे बैठने के लिए है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है उसका इतना अच्छा खासा बड़ा है, और भी बड़ा हो सकता है कुछ इस तरीके से। गेट भी अच्छा खासा दिया गया है, ड्राइवर को आराम करने के लिए जो यहाँ पर ऊपर जो स्पेस है वो भी अच्छी खासी है, देख सकते हो, उसको भी आप नीचे कर सकते हो। प्लस ड्राइवर के पीछे की साइड भी स्पेस है, यहाँ पर स्टेयरिंग आप देख सकते हो, स्टेयरिंग में जो ड्राइवर की सीट है वो भी एकदम मस्त कंफर्टेबल है इस तरीके से, राइट। स्टेयरिंग आप देख सकते हो, इसका स्टेयरिंग कार जैसा है, कार से थोड़ा सा बड़ा है, बट नॉर्मल बस के मुकाबले में जो स्टेयरिंग है उससे ये थोड़ा सा छोटा स्टेयरिंग है। हॉर्न यहाँ पे देख सकते हो, हॉर्न यहाँ पे अलग अलग लगाए गए हैं, मीटर है यहाँ पर, और गियर है, 6 गियर है, 1 रिवर्स है, कुछ इस तरीके से ये केबिन है। आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त है, साउंड सिस्टम भी है और एक लाइट है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों ये रहा इस बस का इंटीरियर। इंटीरियर में इसमें टोटल जो आपको सीट कैपेसिटी मिलती है वो है 28 सीट, और इसमें आपको पुश बैक सीट देखने के लिए मिल जाती है, प्लस साथ में यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, 2 स्लॉट है यहाँ पे, और सामान रखने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर एसी लाइट्स वगैरह है यहाँ पर, ब्लू और प्लस वाइट दोनों एलईडी लाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, और स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, एमरजेंसी के लिए बटन है वो दिया गया है यहाँ पे, स्विच वगैरह, और ख़ासकर जो इसकी सीट है वो कितनी कंफर्टेबल आप देख सकते हो, मैं इसको दबाने से इतना स्पंज की तरह ये दब रहा है। आपने मोस्टली देखा होगा सब जगह की सीट दिखने में तो अच्छी दिखती है, बट वो थोड़ा हार्ड टाइप होती है, बट ये एकदम सॉफ्ट टाइप है, ये देखो इस साइड से भी प्लस इस साइड से भी, तो इसमें बैठने में आपको बहुत ही कम्फर्टेबल फील होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर है। इंटीरियर में सबसे ज़बरदस्त इसमें लाइटिंग है, आप लाइटिंग इसकी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने के लिए लगती है, ये यहाँ पे पिंक और यहाँ पे ब्लू लाइट, ऊपर देखने के लिए मिलती है वाइट लाइट एलईडी दोनों साइड पे, ठीक है, एक पीछे की साइड सीसीटीवी और एक यहाँ पर आगे की साइड सीसीटीवी है जो ड्राइवर के पास ऑपरेट होती है, और इस साइड ये टूल बॉक्स है जो भी इसमें वाईफाई वगैरह जो यूज़ होता है वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं, इस साउंड वगैरह का, ये देखो राउटर वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। सामने जो है वो अभी भाई, अभी भाई कैसे हो आप? तो अभी भाई, अभी आप थोड़ा सा हमको बस का इन्फॉर्मेशन दो और बस का रूट का इन्फॉर्मेशन दे दो। तो सबसे पहले बताओ इस बस का रूट कैसा रहेगा? कुकर में किधर? श्रीवर्धन। कितने बजे स्टार्ट होती है ये डुंगरी से? 4 बजे स्टार्ट होती है। ओके, 9:30 बजे पहुँचती है। 9:30 बजे तक पहुँच जाती है, यानी अराउंड 5-5:30 घंटे का रास्ता होता है, ठीक है। तो वाया आप कहाँ से आप होते हुए जाओगे? आपको इधर सीधा फ्लाईओवर पकड़ते हैं। हाँ, चेंबूर से सीधा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ्लाईओवर पकड़ के चेंबूर। ओके, फिर वहाँ से अपना वही नेहरू, वाशी, पनवेल, हरगर। ओके, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट श्रीवर्धन के लिए निकलते हो, ठीक है। तो इसका फेयर कितना होता है टिकट एसी वाली बस का? अच्छा, एसी और नॉन एसी का अलग प्राइस है या एक ही प्राइस है? सेम प्राइस है। तो क्या रेट चल रहा है इस टाइम? 450 रुपये। और कितना किलोमीटर होता है यहाँ से श्रीवर्धन? 200 किलोमीटर के आपका रास्ता है। ओके ओके, और रिटर्न में? रिटर्न तो उधर सुबह 4:15 बजे। हाँ, 4:15 बजे। 9 बजे। क्या बात है। तो इसमें सिंगल ड्राइवर रहता है, यानी आप इसमें अकेले चलाने वाले हो? और होल्ड कितना कर रही है ये गाड़ी? आधा घंटा एक ही होटल से रुकती है, ठीक है। और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है वैसे? 12 साल से। क्या बात है, ठीक है। चलो अभी भाई, तो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। चलो
अभी हम पहुँचे हैं करनाला, जो कि मुंबई गोवा ओल्ड रास्ता जो है ये वो, यहाँ से ये घाट रास्ता स्टार्ट होता है। अभी भाई ये पूरा रास्ता घाट सेक्शन वाला रास्ता है, मैं अभी बताऊँगा, थोड़ा ही घाट है, इससे आगे है, इससे आगे है। अच्छा, तो ये अभी थोड़ा सा घाट वाला रास्ता, थोड़ा छोटा है। मिलन पैलेस होटल, यहाँ पे हम 20 मिनट ब्रेक करने वाले हैं। तकरीबन हमको 2 घंटा हो चुका है अपना हमारा सफ़र स्टार्ट होते हुए। दोस्तों अभी 7 बज चुका है, 7 PM, और बस 20 मिनट होल्ड करने के बाद हम यहाँ से अभी निकल रहे होटल मिलन। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था यहाँ का। हमारा होल्ड 20 मिनट का हो चुका है, 7 प्रॉपर अभी 7 PM हुआ है, तो रेडी है हम अभी यहाँ से निकलने के लिए। पैसेंजर सारे फिर से अपने अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, ड्राइविंग पे अभी भाई भी बैठ चुके हैं, रेडी है अभी यहाँ से निकलने के लिए। अभी ये कोई होटल करने वाली है, अभी डायरेक्ट इसके लोकेशन पे।
ठीक है, तो अभी अंदाजा कितना किलोमीटर यहाँ से है? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक का है, और 100 से ज़्यादा है। दस बजकर 15 मिनट फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया है दिव्या नगर कोकर। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में।